नमस्कार, मैं आपके साथ आरती सिंह आजाद, स्वागत करती हूं आपका केकेआर न्यूज में। दबंगों के खिलाफ एक महिला ने बार बार थाने में शिकायत की, पर पुलिस ने उनकी एक ना सुनी। आखिरकार सिस्टम से थक हार कर एक महिला अपने दो मासूम बच्चों के साथ कोतवाली थाने के बाहर धरने पर बैठ गई। इतना सब होने के बाद भी कोतवाली पुलिस का महिला के ऊपर दिल नहीं पसीजा। महिला थाने से बाहर बैठी रही और पुलिस तमाशबीन बनी सब कुछ देखती रही। दबंग जबरन करना चाह रहा है मकान पर कब्जा। कोतवाली थाना के बाहर धरने पर बैठी महिला का आरोप है कि इलाके के ही कुछ लोग उसके परिवार वालों को परेशान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जबरन उसके मकान पर कब्जा भी जमाना चाह रहे हैं, जिसको लेकर पीड़िता ने थाने में अनेकों शिकायतें की, पर पुलिस के कान में जूं तक नहीं रेंग रही थी। पुलिस की लापरवाही के कारण दबंग के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब वह आए दिन घर में आकर रेप करने की धमकी दे रहे हैं। मजबूर होकर दिया महिला ने धरना। जानकारी के मुताबिक सुरेखा पटेल आनंद कॉलोनी निवासी ने कोतवाली पुलिस को लिखित शिकायत में दी थी कि कृष्णा बेन व एक सराफा व्यापारी उसे धमकी दे रहा है। थाने में शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों को नहीं पकड़ा, जिसके चलते उनके हौसले और बुलंद हो गए। मजबूर वर्ष महिला अपनी बेटी रूबी पटेल और बेटे काना पटेल के साथ कोतवाली थाने के सामने धरने पर बैठ गई। प्रॉपर्टी का बताया जा रहा है विवाद। इधर पुलिस का कहना है कि पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि यह प्रॉपर्टी का विवाद है। पीड़िता के पति की एक अन्य पत्नी भी है और पति ने अपनी प्रॉपर्टी किसी अन्य को बेचने का एग्रीमेंट किया था, इस कारण ये विवाद की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल मामले की कार्यवाही जारी है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। उनसे पुराना नाता है संरक्षण और हमारी वो पूर्व प्रभारी है जो संध्या और इसमें जो जो शामिल हैं हमारे यहाँ के जो कोतवाली के टीआई सर की टीआई सर से दो बार हम मिले, हम नहीं आए। पति स्वर्गीय राजेंद्र पटेल, हमारे 20 दिन पहले हमारे साथ घटना हुई। हमने एक दिन पहले यहाँ पे आके आवेदन दिया कि मैडम हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हो रही है, कोई हमारा पीछा कर रहा। हमने मंगलवार को घटना दी, 20 जनवरी को आवेदन दिया चौकी में आके सीएसपी सर के सामने। सीएसपी सर ने उनको बोला कि मैडम ऐसी ऐसी बात है, ऐसा कौन कर रहा है, आप क्या बोलते हैं एक्शन लीजिए। इनको वो बात लग गई, इनने वो अपराधी लोगों से कॉन्टेक्ट करके 23 तारीख को सीएसपी सर नहीं थे और टीआई सर नहीं थे, इनने उनको कॉल कर दिया कि भैया वो महिला तो सीएसपी के पास हमारी शिकायत कर दी। उनने एक गुंडा, अभी आप कहाँ बैठे हैं आज? आज हम कोतवाली थाने में बैठे हैं, थाने में प्रदर्शन कर रहे हैं। गन्नू बहन को पकड़ा जाए और गन्नू बहन से किसने हमको धमकी दिलवाई, किसने हमसे जान से मारने की धमकी दी है उसने हमको, किसने दिलवाई है? अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे साथ हुआ है उसका हमें न्याय दिया जाए, गन्नू बहन को जेल की जाए और उसके साथ जो भी मिले उनके ऊपर मामला कायम करके उनको जेल भेजा जाए। आज आप यहाँ धरने पे बैठे अपने बच्चों के साथ? इसलिए हम धरने पे बैठे हैं, अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो हम धरने पर बैठे रहेंगे। आपका नाम? हमारा नाम सुरेखा पटेल है, हमारा निज निवास है आनंद कॉलोनी। हमारे पति का 4 साल पहले एक्सपायर हो गए हैं। आपने इसकी शिकायत पुलिस में की थी? पुलिस में की है, 2 शिकायत की है। मामला दर्ज उन लोग के ऊपर नहीं हुआ। क्या हुआ आपको पता है? 116 का मामला दर्ज हुआ। ठीक है, कमिश्नर ऑफिस में अगर शिकायत जाती है यहाँ से दबा ली जाती है, एसपी के पास जाती तो इन लोग अपने बनावटी लिख के दे देते, बयानबाजी के लिए कभी नहीं बुलाते। ठीक, यही बैठा जो महिला बैठी थी। सर, जो महिला भी बैठी हुई थी धरने पर, उस पर क्या कार्रवाई बोल रही थी? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? कार्रवाई हो चुकी है पहले, ऑलरेडी क्यू सुगन का मुकदमा कायम हो चुका है, इसका मकान संबंधी विवाद चल रहा है। ये महिला जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत कर रही है, एक्चुअली ये दूसरी पत्नी होना बताती है अपने आप को। अच्छा अच्छा, ठीक। और पहले इसकी शिकायत पर कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, अब नई कोई समस्या इसके द्वारा बताई गई तो उस पर हम रिपोर्ट लिख के कार्रवाई कर सकते। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।